What do they make of that? I mean, do they see you as, I mean, living abroad, do they see you as Imran the politician, Imran the celebrity, Imran the cricketing hero? Cricket is more what they appreciate. Politics, the younger one doesn't understand. The older one doesn't want me to be in politics. He doesn't? No, he worries. Because he's much more of a thinker, so he says all the politicians get assassinated, and so he worries about his father. Aapka faith, has it changed over the years? I mean, how has it changed? Kaise? I did not really have faith, and it really started in my mid-30s, and it was because, well, there was already a search going on. Urdu. एक ख्वाहिश तो थी शुरू से एक क्योंकि एक खला थी, लेकिन मुझे एक बड़ा अजीब से इंसान मिल गया जो एक जिससे आप सूफी भी कह सकते हैं, लेकिन वो लगता नहीं था सूफी, कोई दाढ़ी दूड़ी नहीं थी, आम सा रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर था, मेरा दोस्त भी बन गया। ये कौन थे? एक बड़ा अल्लाह के करीब इंसान था, मियां बशीर उसका नाम था, फौत हुए 3 साल पहले। तो उस आदमी की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी इसमें, क्योंकि उसने मेरे कई क्वेश्चन थे जो मुझे रोक रहे थे, और उसने वो बड़े आसान अल्फाज, हालांकि वो 7 क्लासेस पढ़ाए हुए थे सिर्फ, लेकिन उसमें इतनी विजडम थी और रूहानी ताकत थी कि वो मेरे सवालात का जवाब दे दिया उसने। और ये जो रुकावटें थी, एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज थी जो कि हमें नहीं नजर आ रही थी। और बाय द वे, वेस्टर्न एजुकेशन भी इससे आपको दूर कर देता है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन का बेसिस है साइंटिफिक एजुकेशन का बेसिस होता है कि जो आप चीज़ प्रूव ना कर सके वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसने ये साबित कर दी कि कई ऐसी चीजें जो प्रूव नहीं हो सकती। In other words, belief in the unseen. And did you have difficulty आपका faith के साथ आपकी अम्मी की death के बाद? वो वैसे एक खला तो थी उससे पहले भी, लेकिन हाँ वो एक पॉइंट था। एक्चुअली उसने थोड़ी देर मुझे बिल्कुल ही दूर कर दिया ईमान से, अल्लाह से, क्योंकि मुझे मैंने सोचा कैसे एक नेक औरत को अल्लाह इतनी तकलीफ दे सकता है। तो वो जब इंसान को नहीं समझ आती तो इंसान इसी तरह देखता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब, लेकिन उसने फिर भी ये एक सफ़र तो था, अंदरूनी सफ़र। क्या आप थक गए हैं एज अ स्पोर्ट्समैन? समटाइम्स आई फील कि आपको बहुत बेजारी होती है कि क्रिकेट की बहुत बातें होती है, कि आप थक गए उससे कि उस क्रिकेट की बातें अब छोड़ दो, बहुत हो गया। नहीं, क्रिकेट में मैं जिस तरह आपको पहले कह रहा था कि जब मेरे पैसे क्रिकेट में ख़त्म हो जाते हैं तो मैं फिर क्रिकेट का कोई आर्टिकल्स देख देता हूँ, थोड़ी बहुत कॉमेंट्री करता हूँ। नहीं, क्रिकेट में देखे ना, क्रिकेट ने एक मुझे पूरी ट्रेनिंग दी जिंदगी। उसने क्रिकेट ने मुझे जिंदगी के सबसे अहम जो मेरे लेसन्स थे, जो मेरे सबक था, वो मुझे क्रिकेट ने सिखाया। स्ट्रगल करने की कैपेसिटी क्रिकेट से सीखी मैंने। क्रिकेट ने मुझे सबसे बड़ी चीज़ सिखाई कि आप सिर्फ तब हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। Now you an optimistic man, क्योंकि आप जब भी टीवी पे आते हैं आप बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, you sound very angry all the time. Are you an optimistic man? कि आपको लगता है कि चीजें सुधर जाएंगी? अगर आज आप पाकिस्तानी हैं और आपको गुस्सा नहीं आ रहा ये जो हो रहा है मुल्क से, तो आप में कोई गलत, आप में कोई नक्स है कोई? मगर खास साहब हमेशा बहुत नाराज लगते हैं हर चीज से। ना, इस वक्त क्रिटिकल अगर इंसान नहीं होगा, जो इस वक्त निचला 40% तबका मुल्क में जो उसका कत्ले आम हो रहा है, छोटा सा तबका ऊपर इस मुल्क का खून चूस रहा है, टैक्सेस की बारिश की हुई है निचले लोगों को। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, अभी 13 रुपए लीटर गवर्नमेंट को पेट्रोल पड़ रहा है और आवाम को 50 रुपए लीटर बेच रही है। अब मुझे बताएं कि ये सारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये गरीब आदमी देता है? गरीब आदमी टैक्स देता है? वे एक मिसाल लें पुलिस की, सारी पुलिस VIPs को गार्ड कर रही है, बेचारा गरीब आदमी लूटता है, हर रोज लूटा जा रहा है, और पुलिस भी लूट रही है। अगेन आप नाराज हो रहे हैं, व्हाट अबाउट द होपफुल, इज देयर अ होपफुल साइड टू यू? पहले तो आप ये नाराज होंगे तो आप चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं तो आप ऐसे ही चलते रहेंगे। खान साहब, डू द वेट ऑफ दीस प्रॉब्लम्स ऑन योर शोल्डर्स, दे समटाइम्स, आई मीन, डू दे बर्डन यू? डू यू जस्ट एवर थिंक देयर गोइंग टू डिप्रेस? नो, नॉट एट ऑल। डू यू एवर गेट डिप्रेस्ड? आई वुड गेट डिप्रेस्ड। मैं तब डिप्रेस हूँ अगर मैं कुछ ना करूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिप्रेस नहीं हूँ।
इंसान को अल्लाह ने सिर्फ वो कैपेसिटी दी, आप सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हैं। कामयाबी अल्लाह देता है, हम अपनी सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। अगर मैं उस एलीट तबके की तरह हूँ जो हर रोज शाम को बैठ के बुराइयां करके और सो जाए अपने आप को डिप्रेस करके, तो मैं भी डिप्रेस हो जाऊं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। हम पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, 12 साल की स्ट्रगल है, हम लोगों के पास जा रहे हैं हम, और अपनी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज करने की चांस थी 2 इलेक्शंस में 3 इलेक्शंस में भी, कोई कॉम्प्रोमाइज करते और हम पावर का हिस्सा बन सकते थे। वाहिद पार्टी है जिसको, वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसको प्राइम मिनिस्टर की ऑफर हुई, जिससे कहा मैं नहीं बनता, हम नहीं बनता। कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ओके, लास्ट क्वेश्चन टू यू टू फॉर पीपल इज, एक चीज हम हमेशा ट्राई करते हैं कि इन आवर शो वी ट्राई, डोंट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट, रिलाई ऑन योरसेल्फ, खुद भी आप चीज कुछ करें। अगर बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, व्हाट डू यू वांट कि एक आम पाकिस्तानी इस वक्त क्या कर सकता है इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए? पाकिस्तानी अपने हक के लिए खड़ा हो, सच के लिए खड़ा हो और हक के लिए खड़ा हो। ये जो चुप करके जुल्म सह जाते हैं हमारे लोग, जुल्म के ऊपर और मजीद और जुल्म होंगे इनके ऊपर। अगर आज इतनी महंगाई है तो कल और महंगाई होगी इनकी। देखिए, इंसान और जानवर में फर्क क्या होता है? इंसान के अंदर कंपैशन होता है, इंसानियत होती है, और रूल ऑफ लॉ होता है, इंसाफ होता है, और इंसानियत, ये दो चीजें होती हैं। जानवर के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होती है और माइट इज राइट होती है, ये फर्क है। अगर इंसान इंसान नहीं होता तो वो अकलमंद जानवर रह जाता है। इंसान बनने के लिए हमको जद्दोजहद करनी पड़ती है, हम अपने राइट्स के लिए जंग लड़ते हैं। जब लोग जुल्म के सामने सर झुका जाते हैं, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी कौम जुल्म एक्सेप्ट कर जाती है, फिर छोटा सा तबका इनके ऊपर हुकूमत करता है और इनका खून चूसता है। जो चोर डाकू हैं, कातिल हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, लोग चुप करके बेचारे हम सोशल वर्क में लगे रहे, वो चोर हुकूमत करते रहे। इसलिए हम सबको पॉलिटिक्स में शिरकत करनी चाहिए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज द ओनली आंसर। इसके अलावा आप ठीक ही नहीं कर सकते माशरा। दुनिया में कहीं भी अगर ब्लैक्स ने भी अमेरिका के अंदर अपने राइट्स लिए तो सिविल राइट्स मूवमेंट पूरी चली थी। मार्टिन लूथर किंग थे, कुर्बानियां दी थी, घर बैठे बैठे राइट्स नहीं मिले थे उन्हें। ग्रेट, वेल थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आई अभी आई लाइक यू, ठीक है नाउ, ठीक है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट किरण हैड बहुत बड़ा क्रश ऑन यू, आई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।